नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। सीपीआई ने 28 मई 2022 को दिल्ली के सीपी में स्थित ली मेरिडियन होटल में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य कमोडिटी और कैपिटल मार्केट के माध्यम से विकास में तेजी लाना था। सीपीएआई के इस सम्मेलन में देश भर के बड़े एक्सचेंजेस शामिल हुए। इस सम्मेलन में NCDX, MCX, BCE जैसे देश के बड़े एक्सचेंजेस शामिल हुए थे। मार्केट के दिग्गजों के अलावा इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी भी आए थे। उन्होंने इस सम्मेलन में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मंच पर उपस्थित डॉक्टर शशांक सक्सेना जी, सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर भारत सरकार, श्री VS सुंदरेशन जी, श्री विक्रम लिमय जी, श्री PS रेड्डी MD MCX, श्री अरुण रास्ते जी MD NCDEX, अनिल सिंघवी जी, श्री अशोक अग्रवाल जी, श्री नरेंद्र बादवा जी, यहाँ उपस्थित हमारे पूरे देश से आए हुए डेलीगेट्स, मित्रों, बहनों, इसी बार वर्चुअल के नाते, कोविड के नाते वर्चुअल मेरा वर्जन आप लोगों ने दिया था। आपने हमारे ऑफिस का उद्घाटन किया था जी, जिसके लिए हम आभारी हैं। और जितने मंच पर लोग बैठे हैं, ये सभी चारों एमडी भी उसमें थे और सुंदरेश्वर जी भी उसमें थे। सीपीआई भारत में कार्यरत कमोडिटी एंड कैपिटल मार्केट के भागीदार का सर्वश्रेष्ठ संगठन है। और सीपीआई का द्वारा आयोजित 8वें सम्मेलन में सम्मिलित होकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज देश के सभी हस्तियों से मेरी मुलाकात इस मंच के माध्यम से निश्चित तौर से हो रहा है। हम देश के आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं और पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव का अर्थ स्वतंत्रता की ऊर्जा का अमृत, स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं में जो प्रेरणा का अमृत, नए विचारों और प्रतिज्ञाओं का अमृत और आत्मनिर्भरता का भी अमृत काल मनाया जा रहा है। इसलिए से महोत्सव राष्ट्र जागरण का पर्व है, सुशासन के सपनों को साकार करने का त्यौहार है, वैश्विक शांति और विकास का त्यौहार है। इस अमृत काल में स्वर्णिम अतीत, अगले 25 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को अमृत काल में संपूर्ण विकास की ठोस नींव रखी है, जिसके अंतर्गत न केवल लागत नियंत्रण के प्रावधान है बल्कि नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी की आधुनिक आधारभूत संरचना का विकास सुनिश्चित किया गया है। अगर आप देखें तो 26 मई 2024 के बाद इस देश में एक पैराडाइम शिफ्ट आया है, एक बदलाव आया है। अगर 2014 का पहले का भारत अगर आप देखें तो पूरी दुनिया ने किस दृष्टि से भारत को देखा था और भारत कहीं ना कहीं तमाम चुनौतियों का सामना कर रहा था। लेकिन मेरा मानना है कि अगर दृढ़ता से और सही दिशा में काम किया जाए तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस देश का राजभवन संभालने के बाद कहीं ना कहीं बहुत ही दृढ़ता से ईमानदारी पूर्वक इस देश को चलाने का काम किया है और देश में जितनी भी चुनौतियां थी कन्या जो उसका सामना करने का काम किया है और उसमें समर्थन प्राप्त हुआ है। रिकॉर्ड तो ही नहीं था, आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद हमारे देश में जो आवश्यक आवश्यकताओं की जरूरत थी जो हमारे गांव तक नहीं पहुंचा था। हम दुनिया में भारत एक बहुत बड़े राष्ट्र थे लेकिन देश में जो आवश्यक आवश्यकता की चीज को जो आम गरीब तक पहुंचना चाहिए था एक तरफ उसको भी पहुंचाने का काम किया,
चाहे वो मकान हो, चाहे शौचालय हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो। और दूसरी तरफ दुनिया के मंच पे भी भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है। जिस भारत को लोग सुनते नहीं थे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज अगर प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं तो उसका पूरा दुनिया पालन करने का भी काम करता है। अगर कोविड काल में अगर आप देखें तो जहां दुनिया पूरी एक तरफ अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की बैठी हुई थी, हमारी भी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत नीचे चली गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री जी के देख रेख जिस प्रकार से सरकार ने काम किया और कोविड से लड़ने का भी काम किया और अर्थव्यवस्था को संभालने का भी काम किया। अगर आप देखें तो वी शेप अर्थव्यवस्था हमारी पुनः प्री कोविड काल के तहत स्थान पर लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। अगर आप देखें तो आज कोविड काल के होने के बाद भारत का सर्वश्रेष्ठ एक्सपोर्ट इस साल का रिकॉर्ड बनाने का काम किया। अगर कोविड में अगर आप देखें तो निश्चित तौर से जिस प्रकार से भारत दुनिया के ऊपर निर्भर होता था वैक्सीनेशन के लिए, एक पोलियो का वैक्सीनेशन भी हमने 30 साल में कहीं बना पाया था भारत में। देश के अपने वैज्ञानिकों को भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आज हम बैठ पाए हैं यहाँ पर, ये हम एक्चुअल कॉन्फ्रेंस कर पा रहे हैं तो वैज्ञानिकों का ही थे। और अब देश हमारा बचा है तो उन वैज्ञानिकों का है। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनके नेतृत्व में वैज्ञानिकों को पूरा छूट दिया गया, पूरा सहयोग किया गया और 9 महीने के भीतर ही वैज्ञानिकों ने दो वैक्सीन देश को समर्पित करने का काम किया। और जिस भारत की पहचान केवल मांगने की थी, आज वैक्सीन वैधता के नाते हम 100 से ज्यादा देशों में वैक्सीन लेकर के उनकी मदद करने का काम हमने किया और उसका प्रभाव हमने देखा। अभी राष्ट्रपति जी के साथ मुझे विदेश जाने का अवसर मिला था, जमैका और सेंट विंसेंट में गया था और वहां कार्यक्रम चल रहा था, वहां के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री जी, वहां के गवर्नर जनरल की जब स्पीचेस होती थी तो उस वैक्सीन के बारे में कहीं ना कहीं पूरे भाषण में 3 से 4 बार उसका उचित करते थे और संगठन के प्राइम मिनिस्टर को माय फ्रेंड मोदी कम से कम 10 बार उससे मन कहीं ना कहीं पसंद हुआ। आज हमारा देश कहीं ना कहीं गरीब देशों का है, छोटे देशों का मदद करके कहीं ना कहीं भारत आज देने वाला देश की पहचान बनाने का काम किया। तो प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है जिसमें भारत में इन्वेस्टमेंट में नए आयाम खोले। इसी का नतीजा है कि जब विश्व कोविड की महामारी से जूझ रहा था तब भारत ने एक नहीं दो वैक्सीन बनाए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में शुरू किए गए स्टार्टअप मिशन के कारण ही लोगों की धनी क्षमता में विस्तार हुआ। हाल ही में भारतीय स्टार्टअप व्यवस्था को 100 कलम में शामिल होने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। इन स्टार्टअप में काफी बड़ी संख्या में फिनटेक कंपनियां हैं। फिनटेक क्षेत्र में भारत के अन्य देशों के लिए एक मिसाल बना हुआ है, जहां कोविड काल में विश्व भर में लेन देन में समस्या हो भारत ने यूपीआई लाइफ लाइन की तरह काम किया है और डिजिटल लेन देन के मामले में भारत विश्व में अग्रणी देश बनकर के निकला है। भारत में वित्तीय बाजार के पूर्वोत्तर विकास की अपार संभावना है। अदानी प्रधानमंत्री की श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी एक फिनटेक हब के रूप में विकसित हो रहा है। अब इसके पहले इसका जिक्र मान्यवरों ने किया है तो मुझे भी वहां जाने का अवसर मिला था। गिफ्ट सिटी में IFSC अथॉरिटी को विभिन्न निर्णय लेने की सहायता दी गई, जिससे पूरी संभावना है कि गिफ्ट सिटी के लंदन और हांगकांग जैसा वित्तीय बाजार बन करके उठेगा। सोचने वाली बात है कि भारत गोल्ड का एक बहुत बड़ा आयातक है देश के, लेकिन भारत इसकी कीमत तय नहीं करता है, उसमें कोई उसकी भूमिका नहीं है। गिफ्ट सिटी से गोल्ड के स्पॉट ट्रेडिंग के साथ साथ प्राइम डिस्कवरी मैकेनिज्म ने भी स्थापित किया जा रहा है। इससे कमोडिटी ट्रेडिंग के अत्यधिक बल मिलेगा और यहाँ पर
उपस्थित आप सब के साथ साथ इन्वेस्टर को भी फायदा होगा। ये सभा उपस्थित वित्तीय बाजार के प्रतिभागियों के लिए व्यापार की अपार संभावना पैदा करेंगे। भारतीय पूंजी बाजार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण में अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि इस तंत्र द्वारा आम बचतकर्ता अपनी बचत को वित्तीय सेवा संस्थानों बाजार निवेश करते हैं। भारतीय वित्तीय संस्थान जैसे RBI और SEBI के विश्वविख्यात वित्तीय पूंजी बाजार नियंत्रण संस्थानों को चुनौती मिली है तथा इन भारतीय संस्थाओं को चीन तथा अमेरिका के संस्थानों से भी बेहतर माना गया है। सशक्त क्रियान्वयन के संदर्भ में SEBI तथा अन्य स्टॉक एक्सचेंजों ने अधिकतम तकनीक और तकनीकी तंत्रों का चयन और प्रयोग किया है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी है इस सम्मेलन का ध्येय CPI द्वारा बहुत ही उपयुक्त चुना गया है, भारतीय पूंजी तथा वस्तु बाजार विकास में समृद्धि भारत 75 के बाद। ये वस्तु और पूंजी बाजार के भविष्य से संबंधित ध्येय है तथा आने वाले 4 तकनीकी सत्र इसके अनुकूल है। जैसा कि मुझे बताया गया कि CPI का उद्देश्य ट्रेड एंड इंडिया है। ये संस्था वस्तु एवं पूंजी बाजार के विकास में अपने विभिन्न कार्यों द्वारा अग्रणी रही है। उदाहरण अपने सदस्यों को पेशेवर सहायता देना, मार्गदर्शन तथा उनका सशक्तिकरण करना ताकि ये सदस्य निवेशकों को सही और पारदर्शी सेवाएं प्रदान कर सके, साथ ही उच्चतम सेवा मापदंडों पर चलते हुए कानूनी औपचारिकताओं का वहन कर सके। मैं आशा करता हूँ कि CPI में ही निवेशकों को अपने ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों द्वारा जागरूक बनाएगा तथा ऐसे कार्यक्रमों की संख्या अधिक बढ़ाएगा और निवेशकों को अपने निवेशक सेवा केंद्रों द्वारा उपयुक्त सेवा प्रदान करे ताकि आत्मनिर्भर निवेशक बन सके। CPI के इस सम्मेलन की सफलता का मैं कामना करता हूँ और यहाँ बैठे हुए सभी अपने साथियों को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि बहुत सा विषय अभी मंच से कहा गया है, बहुत सी चीजें कमियां भी हैं। सरकार आपके साथ मोदी जी की सरकार कहीं ना कहीं खुले दिल से काम करती है और जो दिक्कत उस दिक्कत का भागने का प्रयास नहीं करती, उसको समझ करके उसको ठीक करने का प्रयास करती है। मैं हमेशा सबका आप सबके लिए खुला है, आप जब भी जो सुझाव लेके आएंगे और जो भी उसमें उचित चीजें होंगी इसी चीज को पूर्ण कराने का काम करेंगे। आज के अवसर पर आप सब ने उजाले का अवसर दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मार्केट टाइम्स टीवी की टीम भी वहां मौजूद थी। महंगाई पर सवाल पूछे जाने पर पंकज चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है तो उस पर आपका क्या कहना है, इन्फ्लेशन रेट कैसे कम होगा, सरकार उस पर क्या काम कर रही है? सरकार पूरा काम कर रही है, आपने देखा होगा जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल पे दाम कम किए, बहुत से चीज़ों पे जिस पे हमने कस्टम ड्यूटी को भी हटाया है, इससे कहीं ना कहीं सरकार का पूरा निगाह है और उस पर हम बहुत जल्दी कंट्रोल करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार ने जनता को राहत देने के लिए हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दामों को घटाया है और कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी भी घटाई है। उनके इस बयान से तो यही लगता है कि भारत सरकार जनता को महंगाई से राहत देने के लिए हर वो संभव प्रयास करेगी जिससे जनता को इस महंगाई से राहत मिले और आगे उन्हें फायदा हो। तो अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। नमस्कार।